जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनि से संबंधी यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो आप हर बाधा से, हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप धन निधान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो शनिवार के दिन ये छोटे छोटे से उपाय कर आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। और जो व्यक्ति बिना किसी कारण किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करता, सत्य वचन बोलने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही झूठ नहीं बोला जाए। कई बार हम नहा जाकर भी झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन अधिकतर कोशिश यही की जाए कि हम सत्य वचन बोलें, अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। किसी गरीब व्यक्ति को देखकर या किसी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को देखकर उसकी हंसी ना उड़ाएं। ये कुछ ऐसे कारण होते हैं, यदि हम ये करते हैं तो शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी जानवर को देख के अक्सर देखा जाता है कि गाय यदि रास्ते में बैठी हुई है, ये गाय घर के आगे आके खड़ी हो गई, तो हम सबसे पहली कोशिश करते हैं कि उसे मारकर भगाएं। नहीं, यदि घर से एक रोटी निकालकर गाय को दे दी जाए तो कुछ कमी नहीं होती। कुत्ता, यदि लगता है कि कुत्ता भूखा है और आप उसे एक रोटी दे दें तो कोई आपके यहाँ कमी अवश्य नहीं होगी, लेकिन यदि दे देते हैं तो आपके यहाँ आपका भाग्य प्रबल अवश्य हो सकता है। शनि देव की कृपा पाने के लिए बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा सकता है और इससे आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। और जो उपाय यदि आप कर अपने आप के जीवन सहज और सरल बनाना चाहते हैं, तो जैसे शनिवार को आप एक लंबा काला धागा ले लें और उसे उस पर 7 गांठ लगा लें। उसे जाकर शनि देव के मंदिर में यदि दीपक जलते ही हैं, जो तेल के दीपक प्रज्वलित रहते हैं, उस पर 7 बार घुमा लें। आपको 7 ही गठान लगानी है, 7 बार उस दीपक पे से घुमाना है। शनि देव के चरणों में उसे समर्पित कर दें और उसके बाद वापस उठाकर अपने दाएं हाथ में बांध लें और 7 शनिवार तक या 7 दिनों तक बंधे रहने दें। आप यदि आपको परेशानी ना हो तो आप 7 शनिवार तक बंधे रहने दें। यदि नहीं बांध सकते, इतना लंबा समय आप अपने हाथ में नहीं बांध कर रख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, 7 दिन तक लगातार बंधे रहने दें। 8वें दिन इसे उठाकर ठंडा कर दें, प्रवाहित कर दें। जैसा भी कष्ट है, जैसी भी यदि आप पर कोई बुरे ग्रह भी पड़ गए हैं या दुष्ट कोई आप पर ऐसी आत्मा या कोई बुरी शक्ति आप पर प्रभाव डाल रही है अपना, इसके कारण आपका भाग्य थोड़ा कष्ट में चल रहा है या शनि की ही कुदृष्टि है, तो ये सारी चीज़ें आप पर से हट जाएंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, इसे कर सकते हैं। कई लोगों को देखा है कि कुछ कमी होने से, कुछ परेशानी होने से मानसिक विकार होने लगते हैं, अवसाद की स्थिति में आने लगते हैं, उदासी होने लगती है। यदि प्रत्येक शनिवार को थोड़ा सा गुड़ लेकर और आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आते हैं तो मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी और अवसाद से मुक्ति मिलेगी। यदि बहुत ज़्यादा शत्रु प्रबल हो गए हैं, आपके शत्रु आप पर ज़्यादा भारी पड़ गए हैं, तो आप और यदि कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है और आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी वाला मामला चल रहा है, तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप 11 शनिवार तक पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय, आप ये कार्य 9 से 10 बजे तक भी कर सकते हैं, 7 बजे से लेकर 9 से 10 बजे तक भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें और इस मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। आप मैं मंत्र फिर से बताने जा रही हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार जाप करें, इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और यदि शत्रु कितना भी प्रबल हो जाए, आपकी शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी।
अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ ज्यादा चढ़ गया है, बहुत ही बड़ी परेशानी चल रही है धन की, तब शनिवार के दिन काली गाय को कुछ बूंदी के लड्डू, कुछ मीठा, चाहे यदि बूंदी के लड्डू नहीं खिला सकते हैं तो आप रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर जब भी समय मिले शाम तक, वैसे ये कार्य सबसे ज़्यादा प्रबल होते हैं रात्रि में करना। आप रात्रि में काली गाय या काला कुत्ता, दोनों में से जो भी मिल जाए या दोनों ही मिल जाए, आप बूंदी के लड्डू खिलाएं या रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं, यानी मीठा मीठा आप यदि खिलाते हैं, और अपनी जब आप गाय को खिलाते हैं तो उस समय अपनी मन की मनोकामना बोलें कि मैं आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। आप देखना शनि देव की कृपा आप पर होगी और आप कर्ज से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार शाम के समय शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर अवश्य जाएं और वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक दीपक चमेली के तेल का प्रज्वलित करें। यह कार्य आप अपने नियम में ले लें, खुद शनिवार में ही आपकी ज़िंदगी के पूरे जितने भी दुख कष्ट जो भी हैं बिल्कुल दूर हो जाएंगे। कर कर देखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है, विश्वास के साथ आप यदि पत्थर को भी पूछते हैं तो भव्य भगवान का रूप धारण कर लेता है। इसलिए यदि आप हनुमान मंदिर नहीं भी जाते हैं और ये कार्य घर में भी करते हैं तो आपको इसका पूरा पूरा परिणाम मिलता है, पूरी पूरी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। कर कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।